डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं सज्जाद हैदर अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद सज्जाद के साथ हाज़िर हूँ, और इस वीडियो में मैं एक और एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आइए पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द एज ऑफ 12, 12 साल से आई मेड ए लिविंग बाय बाइंग टॉवल्स, नीडल्स, शैम्पू एंड सोप एंड सेलिंग देम एज ए स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर क्या वो गलियों में जाकर बेच रहा है? क्या कहते हैं, 12 साल से मैं बाय करता हूँ टॉवल्स, नीडल्स, ये चीज़ें ख़रीदता हूँ और फिर गलियों में जाके बेचता रहा हूँ। नाउ आई रन 3 होटल्स इन हनोई विच, अच्छा ये है कि आज वो बहुत बड़ा 3 होटल्स का मालिक है। 12 साल में तो वो गलियों में बेचता रहा, स्ट्रीट वेंडर, और आज वो 3 होटल्स का मालिक है। कौन कह रहा है? कोई आटा पने और कह रहा है। विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन द अबव इवेंट्स, यानी चाहे कोई भी बिजनेस है, पहले भी एक बिज़नेस था और वो बिज़नेस था स्ट्रीट वेंडर। यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि एक साइकिल है, पीछे अमरूद रखे हुए हैं और गलियों में बेच रहा है, वो आटा पने और है। बिल गेट भी आटा पने और है, लेबर नहीं है। लेबर वो खुद भी प्रोवाइड कर रहा है, अपने लिए लेबर भी प्रोवाइड कर रहा है, बट ही वर्क फॉर द प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर है। ये भी उस वक्त भी, ये जो छोटा, ये 12 साल वाला जो जो एंटरप्रेन्योर है, ये उस वक्त भी एंटरप्रेन्योर था और आज भी वो 3 होटल रन कर रहा है, ओनर है, तो वो एंटरप्रेन्योर है। अच्छा, मेरी एक वीडियो है, उसमें मैं बताऊँगा द डिफरेंस कि हु इज़ एंटरप्रेन्योर एंड हु इज़ अ लेबर। अमरूद बेचने वाला पता नहीं एंटरप्रेन्योर है या के लेबर है, और प्राइम मिनिस्टर लेबर है कि एंटरप्रेन्योर है। ये कुछ इन 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 छोटे छोटे जो जो थिन डिफरेंसेस हैं, थिन तो नहीं है लेकिन समझने वाले हैं, इनके लिए आप मेरी वो वीडियो, वहाँ जाकर जो लेक्चर वीडियोस हैं उन्हें अगर देखेंगे तो वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किए हुए तो आपको समझ आएंगे, वहाँ कर रहा हूँ। अच्छा, बहरहाल ये दोनों इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम में आ रहे हैं। जी आप काउंट करें, जी ये फलां भी, फलां भी, फलां भी। देखें, कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं हो सकता कि वो जब चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करता है फिर जाके वो गुड्स प्रोड्यूस हो सकती हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस हो सकती हैं। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैं कह रहा हूँ जी मैं शायद कोई एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बगैर काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी जब भी कोई गुड या सर्विस बन रही हो, कोई एक्टिविटी हो रही हो, बिजनेस एक्टिविटी, तो देन रिक्वायर्ड ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होंगे तब जाके बिजनेस एक्टिविटी जो है वो जनरेट होती है। तो इसमें लैंड ओनली ऐसा नहीं हो सकता, लैंड एंड लेबर ये भी नहीं होगा, लेबर एंड कैपिटल नहीं, चारों लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर चारों ही शामिल होंगे तब जाकर एक बिज़नेस कंप्लीट होता है। ये तो 3 होटल चला रहा है और ऐसा नहीं हो सकता कि ये 3 फैक्टर से नहीं, चारों फैक्टरों से कोई बिज़नेस जो है वो होता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर एक और वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।